आप सब लोगों को ये बनाना है और जानना चाह रहे हो हमने कैसे बनाया है ये। तो गाइस इसको भाई सब बहुत अच्छा लग रहा है गाइस ये देखने में, और गाइस इससे आप लोग एनिमेशन वीडियो बना सकते हो, ठीक है। तो ये अपने एनिमेशन वीडियो को भाई सब एक कैरेक्टर हो गया, तो हिप हॉप बंडल, ठीक है गाइस। और आपको मैं बताऊँगा कैसे कैसे करना है। तो गाइस ये पार्ट टू है वीडियो का, एनिमेशन वीडियो पार्ट टू है। तो जल्दी से बताता हूँ मैं आपको कि कैसे करना है। तो देखो यार, आप लोग जो मेरी वीडियो देख रहे होंगे उसके डिस्क्रिप्शन में जाना, फिर उसके मैंने सबसे पहले गाइस एक फाइल करके आएगा, ठीक है। पहला फाइल होगा, फिर प्रिस्मा 3D और सैड अचीवर, ठीक है। ये दोनों एप्लीकेशन तो आप लोग डाउनलोड कर लो। फिर उसके बाद जो फाइल है, फाइल में आप लोग को ना क्लिक करना है, ठीक है। आप लोग जैसे ही क्लिक करोगे ना, तो फिर गाइस यहाँ पे कुछ ये आएगा हिप हॉप करके, ठीक है। तो आपको ना, तो गाइस यहाँ पे आपको एक डाउनलोड का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा छोटू सा, उसमें आपको क्लिक करना है। और क्लिक करके आप अपना कोई भी गूगल अकाउंट से करके आपको कर देना है, ठीक है। और फिर यहाँ पे गाइस आपसे दोनों एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद पूछेगा, तो आपको पहले जेड अचीवर में खोलना है। प्रिस्मा 3D में अभी नहीं खोलना है, अभी जेड अचीवर में खोलना है। जैसे खोलोगे तो कुछ इस टाइप का आएगा, ठीक है। सीजन 2 बाई अनिकेत गेमर हिप हॉप, ठीक है, ये सब आएगा। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि आपको ये सब करना क्या है। देखो जो हेट PNG है वो सब आपको अभी कुछ समझ में आ नहीं रहा होगा, पर कोई बात नहीं, मैं समझा दूंगा एकदम अच्छे से समझा दूंगा। देखो अब आपको हेट PNG में एक बार क्लिक करना है, क्लिक करते हुए ओपन में क्लिक करना है, फिर पासवर्ड रिक्वायर्ड बोलेगा वो, तो आपको पासवर्ड में लिखना है कैपिटल A, ठीक है, अनिकेत और साइड गेमर, ये आपको पासवर्ड लिखना है, देख लो। वैसे तो मैं कमेंट में भी लिख दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूंगा, ठीक है। और फिर इसके बाद आपको ना इसको, ठीक है गाइस, देखो क्या करना है। इससे मैं आपको एक बार दिखा दे रहा हूँ, दो सेकंड के लिए क्लिक करना है। 2 सेकंड के लिए आप जैसे ही क्लिक करोगे इधर कॉपी का ऑप्शन आएगा, कॉपी करके आपको इधर पेस्ट कर देना है, ठीक है। जल्दी से इधर आप पेस्ट कर देना इसे, ठीक है। ये छोटू से एक आइकॉन आपको दिखाई दे रहा होगा, इसको पेस्ट कर देना। फिर से पासवर्ड रिक्वायर्ड होगा, पासवर्ड आपको फिर से वही डाल के पेस्ट कर देना होगा, ठीक है। ऐसे करके आपको जितने भी वो सब है सब में करना है, ठीक है गाइस, सब में कर लेना है। सब में करने के बाद मैं आपको बता दूँ, एक मिनट। तो देखो जैसे मैं व्यू में गया, सब में आपको कर लेना है। ये देखो 5 है 5, ठीक है। हेड PNG, ये मेल बॉडी, सब कुछ, मेल बॉटम, जो भी है आपको ये पांचों चीज़ कर लेनी है, जैसे मैंने पहले वाले के साथ किया। फिर लास्ट में सीजन 2 है, उस पर एक बार क्लिक करना, फिर ओपन में करना। ओपन में पासवर्ड पूछेगा, आपको पासवर्ड लिख देना होगा। फिर उसके बाद आप लोग इसको ओपन कर देना, ठीक है। देखो जैसे मैंने फिर से ओपन किया, पासवर्ड आया, पासवर्ड आपको वही लिखना है। और फिर उसके बाद ये आएगा दो चीज़, पर आपको इसमें करना क्या है, इस बार आपको प्रिस्मा 3D में लेना है, ठीक है। प्रिस्मा 3D में आपको एक बार क्लिक कर देना है, ठीक है। तो प्रिस्मा 3D में आप जैसे ही क्लिक करोगे तो गाइस कुछ ऐसा चीज़ आ जाएगी। देखो यार यहाँ पे अपना जो कि हिप हॉप बंडल आ गया, ठीक है गाइस। ये देखो हिप हॉप बंडल गाइस यहाँ पे आ चुका है, ठीक है गाइस, यहाँ पे देख सकते हो। अब आपको क्या करना है मैं आपको एकदम अच्छे से बताता हूँ। देखो आपको एक बार क्लिक करना है हिप हॉप बंडल में, और जैसे ही क्लिक करोगे तो गाइस यहाँ पे आपको कोई स्केल दिखाई दे रहा होगा, स्केल 111 कर देना, ठीक है। अगर आपको कुछ गलत वलत हो तो आप लोग 111 कर देना, और आपको कुछ चेंज, तो गाइस जो भी साइज होगा ना आप लोग एकदम ध्यान से अच्छे से कर देना, 11 साइज ही रखना, क्योंकि अगर आप लोगों का कुछ अलग वलग हो तो, ठीक है। तो फिर यहाँ पे यार 11 साइन रख देता हूँ मैं भी, ठीक है, स्केल 111 ही रखना और कुछ चेंज मत करना, ठीक है। अब इसके बाद गाइस आपको देखो करना क्या है, ठीक है। अभी देखो मैं आपको बताता हूँ, तो फिर आपको ना थोड़े ऊपर लेके जाना है, और ये जो सीजन 2 ब्लू कलर का है ना, उसको आप 2-3 सेकंड तक, मैंने आपको मार्क करके दिखाया, 2-3 सेकंड तक पकड़ के इस वाले क्यूब के अंदर डाल देना, ठीक है। डाल दोगे तो फिर जब हो जाएगा एडेड टू प्रेजेंट, तो समझो कि आपका हो गया। अब इसको सेव कर दो, ठीक है, सेव कर देना। और प्रोजेक्ट का नाम आप कुछ भी रख सकते हो, ठीक है, हिप हॉप सीजन जो मन आपका वो रख दो, ठीक है। वैसे मैं हिप हॉप रख देता हूँ, ठीक है, और सेव कर देता हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद गाइस आपको अपना बरमूडा मैप को ऐड करना है। अब यहाँ पे आपको ये होने के बाद गाइस आपको अपने जेड अचीवर खोलना है, और फिर उसमें जाके गाइस आपको मेरा गाइस पुरानी वाली, आपने अगर पार्ट 1 वाली वीडियो देखी है तो बरमूडा मैप था, उसमें बरमूडा मैप आपको खोलना है। बरमूडा मैप बाय अनिकेत ऑल साइड गेमर, वो पूरा पार्ट 1 वाली वीडियो में आप लोग देख लेना, ठीक है।
और इसको जैसे ही आप लोग खोलोगे मैप बरमूडा आएगा। तो पासवर्ड भी इसमें मैंने सेम ही रखा है, दोनों का पासवर्ड सेम है, ठीक है। फिर आप इसको प्रिज्मा 3D से खोलना, जैसे ही खोलोगे तो कुछ ऐसा आएगा अपना बरमूडा मैप। तो देखो आपको अभी करना क्या है, यहाँ पर देखो यार साइड में गई आपको ये वाला एक क्यूब दिखाई दे रहा होगा छोटू सा, ठीक है, ये वाला जिसपे भी डॉट किया, अगर आप उस पर क्लिक करोगे और फिर आपके राइट हैंड साइड में देखोगे यहाँ पे एक ये है, ठीक है, बल्ब कहीं का कोई लाइट कहीं का, अगर आप कुछ करोगे उस पर क्लिक करोगे तो आपका ये बरमूडा मैप ऐसे हो जाएगा, और करते जाओगे तो फिर आपके बरमूडा मैप की लाइट थोड़ी सी बढ़ती जाएगी और कुछ ऐसी हो जाएगी, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से इसे सेट कर सकते हो, या तो आप नॉर्मल रखना चाहो तो नॉर्मल रख लो, वरना आपकी मर्जी आप देख लेना, ठीक है। फिर उसके बाद आपको इधर करना क्या है, फिर उसके बाद गाइस यहाँ पे देखो आप लोग इधर क्लिक करोगे ना क्यूब में, इधर आप लोग इधर देख सकते हो इधर आया है सीजन, ठीक है। हम लोग ने हिप हॉप नाम रखा था पर पता नहीं सीजन कैसे हो गया, ठीक है, कोई नहीं, शायद उसके कारण हुआ होगा फाइल के कारण। तो गाइस ये देख सकते हो पूरा अपना सीजन हिप हॉप आ चुका है, ठीक है, ठीक है। गाइस यहाँ पे मैंने वीडियो को थोड़ा सा फास्ट कर दिया है जिससे ज़्यादा आपका टाइम ना लगे। तो देखो यार आपको ना ये थोड़ा सा ना हिप हॉप हम ना थोड़ा सा नीचे होगा, तो इसको ना आप लोग को पूरी जो बॉडी है ना इसको एकदम ऊपर आसमान में ले आना, ठीक है। जल्दी जल्दी से मैं सब कुछ ले आता हूँ गाइस, टोपी वगैरह सब कुछ आपको ऐसे ऐसे जल्दी से आसमान में ले आना, ठीक है। लेके आने के बाद रुको गाइस, जल्दी से पहले मैं इसे ले लेता हूँ पूरा गाइस, सारी मुंडी वगैरह सब एकदम अलग अलग है, ठीक है, पूरा हो गया। तो गाइस आप लोग देख सकते हो आसमान में पूरा हो चुका है। अभी गाइस आपको एकदम ना नीचे जाना है और यहाँ पे छोटू सा एक हाथ होगा जो आपको दिखाई नहीं देगा, बट अगर ध्यान से देखोगे तो आपको मिल जाएगा। तो उस पर थोड़ी सी ट्राई करना क्लिक करने की, और फिर क्लिक हो जाए तो इसको एकदम ऊपर लेके जाना और इधर रख देना, ठीक है। और ये हो गया अपना पूरा हिप हॉप का पूरा सामान आ चुका है, ठीक है। अब हम लोग को बनाने हिप हॉप को, ठीक है। अब हिप हॉप बंडल कैसे बनाना है, देखो गाइस पहले जो इसके सूज है ना उसको हम लोग पूरा सेट करेंगे, ऐसे करेंगे कि वो ज़मीन से टच है, ठीक है, पूरा आप लोग कर देना जैसे आपकी मर्जी। फिर उसके बाद गाइस आपको ये पैंट होगा गाइस, पैंट को रखना है, ठीक है, इसके ऊपर ना गाइस आपको पैंट को सेट करना है, ठीक है, एकदम अच्छे से सेट करना जिससे एकदम अच्छा लगे, और वो आप लोग को करना पड़ेगा, एकदम ध्यान से कर लेना जूम वूम करके, देख सकते हो गाइस कैसे हो रहा है, ठीक है। अब फिर आपको ये हिप हॉप को रखना है, ठीक है गाइस, हिप हॉप को रखना ऊपर, और फिर उसके बाद इसको थोड़ा सा पीछे कर देना, ठीक है गाइस, ये कुछ अभी ऐसा लग रहा है, ठीक है। तो गाइस अभी हम लोग पैंट को थोड़ा सा नीचे करते हैं और हिप हॉप को अभी, ठीक है, इतना काफ़ी है। अभी आप लोग जब इधर देखोगे नीचे, ठीक है, तो गाइस यहाँ पे आपको जूते को एकदम ठीक करके अच्छे से रख देना, ठीक है। फिर उसके बाद गाइस अपना एकदम देखो एकदम अच्छे से होना चाहिए, ऐसे लगना चाहिए कि पूरा उसका पैंट और जूते वगैरह सब एकदम स्टिक होने चाहिए एकदम अच्छे से, ठीक है, जैसे मैं कर रहा हूँ। और फिर आपको ये सब करने के बाद, फिर उसके बाद आपको एकदम पूरा ऐसे, हाँ तो देख सकते हो ये पूरा हाथ अभी ठीक लग रहा है हमें, ठीक है, फिलहाल तो, और थोड़ा सा हाथ निकला है उसको भी हम लोग ठीक कर सकते हैं, उसको भी मैं ठीक कर देता हूँ जल्दी से, ठीक है। आप लोग इसको जूम करके ठीक कर देना, तो ये देख सकते हो अपना हाथ भी ठीक हो चुका है। और अब इसकी बाकी है मुंडी लगाना, ओ भाई ना पर वो है, तो आपको इसको थोड़ा सा बिल्कुल आगे की तरफ ले लेना है, और अपना हिप हॉप का पैंट जूते हाथ और टी शर्ट वगैरह सब तैयार है। अब कैसे आपको इसको फेस लगाना है, फेस को एकदम आगे की तरफ ले लेना, ठीक है, ये हो गया अपना हिप हॉप का फेस। और ये लास्ट में आपको ये कैप लगानी है, फिर कैप को आप लोग इतू सा करके नीचे सा करके बना देना, ठीक है। तो फिर इतना होने के बाद आपको यहाँ पर कर देना होगा, ठीक है, डन। फिर उसके बाद अपना हिप हॉप तैयार हो गया। अब आपको इधर टेक्सचर होगा गाइस, इधर आप लोग मेक्स के नीचे टेक्सचर देख सकते हो, वाइट कलर है। आपको इधर आपको टेक्सचर में जाके पूरा ये मेल वाला बॉडी का इसको पूरा कलर सेट कर लेना है, ठीक है, पूरा बॉडी का कलर आपको पूरे माटे हेड पूरे चीज़ों का बॉडी का कलर आपको सेट करके रख देना है, ठीक है। और ये सेट करने के बाद ना देखो ये किया, और फिर उसके कलर को बिल्कुल वाइट कर देना, कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो फिर ये करने के बाद, ये सब होने के बाद फिर आपको क्या करना होगा ना, अभी आपको टेक्सचर यूज़ करना है, ठीक है, टी शर्ट पर आपको क्लिक करना होगा, टी शर्ट पर क्लिक करो और टेक्सचर को यूज़ करना, ठीक है, टेक्सचर तो गाइस यहाँ पे होगा, तो ठीक है मैं आपको दिखाता हूँ, गाइस क्लिक करने का टेक्सचर होगा, और ये हिप हॉप को आपको ले लेना है, ठीक है, ये हिप हॉप हो गया। अब टेक्सचर में आपको पैंट का भी ले लेना और माथे का भी, हेड का वगैरह सब कुछ ले लेना है।
तो गाइस ये कुछ ऐसा अपना हिप हॉप डन हो चुका है। अब जूते के लिए गाइस मैंने कुछ भेज दिया नहीं है, आप लोग जूते के लिए कुछ भी कर सकते हो, कोई भी ब्लैक कलर के जूते जो आपको जूते अच्छे लगे। वैसे तो आप लोग अगर पैंट का कलर करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। जैसे देखो मैं अभी इधर टेक्सचर में गया और जो पैंट का जो कलर होता है मेल बॉटम वाला उसको मैंने इधर ले लिया, तो हो गया गाइस ये अपना डन। ठीक है तो गाइस जूते वूटे का हो गया गाइस। ठीक है तो यार देखो इस वीडियो के लिए इतना ही, बस इसमें हमने आपको बताया हिप हॉप को कलर वलर कैसे सेट करना है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट की वीडियो भी जल्दी आएगी यार, टाइम मिलेगा मुझे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, और लाइक कर देना यार प्लीज़, सब्सक्राइब भी।